बताया जा रहा है कि आर्थिक संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, वहीं लीज और किराए पर भुगतान नहीं करने से 10 और विमानों का संचालन बंद कर दिया गया है। अब तक 79 विमान परिचालन से बाहर हो चुके हैं, सिर्फ 14 विमानों को ही संचालन हो रहा है। विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी देते हुए कहा कि लीज समझौते के तहत बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण कुछ और विमानों का संचालन बंद किया है। हालांकि आर्थिक संकट से बाहर आने के सभी उपाय किए जा रहे हैं, कंपनी की स्थिति से आगे भी अवगत कराया जाता रहेगा। इधर खबर आ रही है कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल कंपनी में फिर से अपनी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। गोयल ने जेट एयरवेज में अपनी 26% हिस्सेदारी पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखी है। यह हिस्सेदारी कर्ज के लिए सुरक्षा गारंटी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।